पूरे एक साल बाद टीम इंडिया में शामिल होने जा रहा है ये खतरनाक गेंदबाज। इसकी बॉलिंग से कांपती है पूरी बांग्लादेश। तो ऐसे में क्या है पूरी खबर की जानकारी और आखिरकार कौन है शानदार बैटिंग खिलाड़ी जिसकी अब टीम इंडिया में एंट्री होने जा रही है, सब कुछ बताने जा रहे हैं आपको इस रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करेंगे इस रिपोर्ट की। दरअसल भाई जैसा कि आपको बताया कि जहां पे भारत और श्रीलंका के बीच अब सीरीज की समाप्ति हो चुकी है, लेकिन अब इसी के साथ साथ यहां पे आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच सीरीज की शुरुआत होने वाली है। जी हां, दरअसल पहले तो भारत और बांग्लादेश के बीच यहां पे आपको बता दें कि दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाने वाली है और इस टेस्ट सीरीज के लिए यहां पे बांग्लादेश की टीम भारत का दौरा करेगी। लेकिन इसके साथ यहां पे आपको बताएं फिर इसके बाद T20 सीरीज भी खेली जानी है। लेकिन यहां पे आपको बताएं कि सीरीज से ठीक पहले यहां पे भारत टीम में एक शानदार खिलाड़ी गेंदबाज की एंट्री हो चुकी है। जी हां, जो कि पूरे एक साल बाद टीम इंडिया में आया है ये खतरनाक गेंदबाज। इसकी बॉलिंग से यहां पे आपको बताएं कि बड़े बड़े बल्लेबाज भी कांप जाते हैं। जी हां दोस्तों, हम जिस खिलाड़ी की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि टीम इंडिया के बेहतरीन गेंदबाज मोहम्मद शमी है। जी हां दोस्तों, मोहम्मद शमी जैसे कि आपको बताया कि वनडे वर्ल्ड कप 2023 के बाद से टीम इंडिया में अभी तक खेलते हुए नहीं दिखे, लेकिन अब यहां पे मोहम्मद शमी की लंबे समय बाद उनकी इंजरी के बाद अब यहां पे टीम इंडिया में वापसी होने जा रही है। उनके पैर के कारण उनको यहां पे लंदन भी जाना पड़ा था, ऑपरेशन भी कराना पड़ा था और अब ऐसा माना जा रहा है कि बस थोड़े ही दिन में वो पूरी तरीके से फिट हो जाएंगे और इसके बाद अब यहां पे बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया के साथ खेलते हुए नजर आने वाले हैं। तो आप ही के राय इस बारे में, आपको क्या लगता है क्या यहाँ पे अगर मोहम्मद शमी आते हैं तो क्या टीम इंडिया ये सीरीज जीत पाएगी या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।